1521 में आज के दिन तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम के सैनिकों ने बेलग्रेड पर कब्जा किया था। 1600 में आज के दिन मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया। आज के दिन 1845 में प्रसिद्ध पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1896 में आज के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय था। उनकी शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। उन्हें गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिराक गोरखपुरी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1949 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1904 में आज के दिन कलकत्ता के बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन हुआ। 1928 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष एमजीके मेनन का जन्म हुआ था। वे अंतरिक्ष विभाग इसरो के परामर्शदाता हैं। उन्हें भारत और विदेशों से कई मानद डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल हुई हैं। प्रोफेसर मेनन भारत में सभी तीनों विज्ञान अकादमियों के फेलो हैं और वे प्रत्येक के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने किरणों कण भौतिकी में वैज्ञानिक कार्य किया है। उन्हें वर्ष 1961 में पद्मश्री, वर्ष 1968 में पद्म भूषण और वर्ष 1985 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1952 में आज के दिन भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर का जन्म हुआ। 1972 में आज के दिन साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल पारित किया गया। 1984 में आज के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1986 में आज के दिन भाग्यश्री साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला बनी। साल 2008 में आज के दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1999 और वर्ष 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय लिया था। 2017 में आज के दिन पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।